भक्ति भक्ति किसने की, किस किस को क्या मिला। और वास्तविक भक्ति के अंदर शक्ति होती है। भक्ति किसने की, भक्ति से शक्ति मिली वीर हनुमान को। लंका जैसी नगरी में राम नाम गायो है। छोटी सी उम्र में कुनबा उतार दियो। भक्ति के प्रताप से जो परम पद तू आएगा। सीधे चलते हैं चिकड़ी के प्रसंग की तरफ। श्रोताओ समय थोड़ा है और ध्यान के लिए एकाग्रत कर दीजिएगा। प्रसंग हमारा वही जो पहले नंबर पर छोड़ा। श्री कृष्ण भगवान की सेना में एक सेनापति था। उस सेनापति का नाम था भानु, जिसकी पुत्री थी भानुवती। भानुवती की बेटी, भानु की बेटी भानुवती को लेकर एक नकुंभ नाम का राक्षस चला गया। यह मालूम हुआ कृष्ण भगवान अर्जुन और प्रद्युम्न के लिए तीनों के तीनों पीछा करते हैं और वो देख बद्र नगर की तरफ चला जा रहा है। अर्थ में लिखा अर्जुन प्रद्युम्न और कन्हैया, अरे भगतिये एकदम तीनों हैं और बद्र नगर के पहले दानव घेर बनी में लीनो है। आमत देखे तीन बली ना होश कर रहो ठिकानो और भगदियो जान बचा के दानो। कहां चले जा रहे हैं साहब, रंग की शर्म ना करी तुमने तो। रंग की शर्म ना करी, आइए वो तहत चला जा रहा है। और हो सका सोतानो हो सकड़े जा
किया क्या यानी कैसला सरकार सुनो चितलाए सब सरदारी अर्जुन छुप गया और प्रद्युम्न कह रहा सुन ले दृष्टि तू कब तक जाने बचावेगो पल में प्राण तेरे देंगे तू कभू आंख में आवेगो मौके ते तो मिल गो धोखो तू कन्या हर ले आयो और तेने मारे कुलक नु दाग लगायो हे मूर्ख हे व्यभिचारी हे क्रोधारी तूने हमारे कुल के लिए दाग लगा दिया और अब तेरे प्राण हरगिज बचने वाले नहीं हैं। अगर तूने तेरी माँ का दूध पिया है तो इस गुफा से बाहर निकल। श्रोताओ दानो सोचे जान बचेना ये प्रद्युम्न मायाधारी है या उनके पड़ोस लगे मायावी या को खास बाप बनवा रही है। कब तक रहूं गुफा में छिपके हैं ना ऐसे पार पड़ेगी अरे चंगा अवस्थार यू ना पड़ेगी। आज बुद्धा विचार कर रहा है इस गुफा में कब तक छुपा रहूंगा ये प्रद्युम्न मायावी है इससे भी अधिक इसके पिता से भी है कृष्ण भगवान और किया क्या उस दैत्य ने भैया पर्वत का नाम है गोकरण है गोकरण यज्ञ पर्वत पितृकु भगत यज्ञ मतवारो है थिएटर से कर जाए चढ़ो या कहूं ना है मिला सहारो है पर्वत को छलांगने की मगर लांग नहीं सकता क्या पर्वत को लांग सकता जय वरदान सब को भारो है ले कन्या को गिरो धरन कहे लखनियो बरन गिरियो शिखर पे कन्या छोड़ी गिरियो शिखर पे कन्या छोड़ी भगतियो जान बचाइए बानवती प्रद्युम्न ने बादना हाथन में लई उठाइए पुरी द्वारका पहुंचा गई ना ने कऊ विलंब लगायो और प्रद्युम्न लौट वहीं पे श्रोता और ये 50 रुपए का पुरस्कार आदरणीय समंदर सिंह जी दे रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद। प्रद्युम्न भानुमती को द्वारकापुरी पहुंचा देते हैं और फिर वापस चले आते हैं और सुरेंद्र जी आज उस दैत्य को चारों तरफ से घेर लेते हैं और वो दैत्य तीनों से बोल रहा है क्या दानो अरे दानो
पहले ही ना रही, फोन करके वापस ना बुलाए। क्या बात है, यही तो बात है। क्या बात है, अरे तुम तीनों न घूमिए की बात बताऊं, मैं तो रे प्यारों पला आजमाऊं, मैं तो तुम नाम का राक्षस, और ये कह रहा है मैंने तो तुम्हारा बल अजमाया था, कितनी ताकत तुम्हारी भुजाओं में है, कितना बल तुम्हारे अंदर है, और एक कंटक गदा को आकाश की तरफ छोड़ दिया। बाबा साहब सुनिए, वो मायावी गदा थी, और गदा का कर्षमा क्या था, नया प्रसंग आपके लिए सुना रहा हूं, आपने कैसेटों में भी नहीं सुना होगा, कथा को थोड़ी बारीकी से सुने। एक मायावी गदा जिसका नाम कंटक गदा था, आकाश की तरफ छोड़ दिया। हुआ क्या, घोर अंधेरा करो छुपियो है, बारा में जाके
धन को लेकर वो दैत्य आकाश में चला गया, छुप गया। कर क्या रहा है? हजारों अर्जुन बना दिए कृष्ण भगवान मूर्छित हो गए। और सुरेंद्र जी क्या हुआ? हाहाकार मच गया देवताओं में। कैसे? बताइए, भगवान जैसे मूर्छित हो गए, आज इंद्रदेव चले आते हैं अमृत के लिए। झिकड़ी सुना रहा हूं, कोई कूड़ा करकट नहीं गा रहा हूं। इसलिए एक ढोला आरोहता है दोलान का, वो भी सुनाया जाएगा। इंद्र ने किया क्या? उड़ान तक सुनाया जाएगा। याद राम जी, याद रखना। कृष्ण भगवान ने अपना चक्र सुदर्शन अपनी उंगली पर धारण किया। झिकड़ी की उड़ान क्या कह रही है? कृष्ण ने चक्र उठायो है दुष्ट को शीश उड़ायो है। दुष्ट ने चक्र उठायो है दुष्ट को शीश उड़ायो है। दुष्ट ने समय थोड़ा कर दियो न्यारो, शीश धड़ से कर दियो न्यारो।
बहुत सुना होगा ठुमरी गुरुदेव हवलदार मोहन सिंह जी मतदानों में बहुत सुना होगा एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सोलह पंद्रह चौदह तेरह बारह ग्यारह दस नौ सारे गा पद निशा सानी धपा मगे रेशा है जाऊं पिया के पास कैसे जाऊं रंग की शर्म कर रहे मोह पतो जब दस रुपया ने उगा के लाए कछु सही रुपया पचास है क्यों जी सुन गए कलाकारी क्या है संगीत क्या है हवलदार जी मृदंग मृदंग गुरुदेव समय हो गया मगर पुरानी चिकड़ी की जो चाल थी सरगम से सरगम तक वो क्या थी शीश दर्द से कर दिया जा रहा 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 बता तेरे जयकारा है करी चलो होटल पर जय जय